हाँ दोस्तों, मेरे YouTube चैनल e-learning विद दुर्गेश में आपका स्वागत है। सीटेट के लिए हिंदी का शिक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं हिंदी के पैगोलॉजी में 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 क्वेश्चन होते हैं गद्यांश और पद्यांश से। आज उन्हीं हिंदी शिक्षणों को हम पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें पहला है आमुख, जो पढ़ना है हमें। तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमने देखा कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाती है कि बच्चों को स्कूली जीवन को बाहर के जीवन जोड़ा जाना चाहिए। मतलब राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 में यह सिखाती है कि जो बच्चों का जीवन है वह हमें बाहरी दुनिया से जोड़कर ही बताना चाहिए, क्योंकि जो हम पढ़ाते समय इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि बालक को जो भी पढ़ाया जाए उसे उसके बाहर दुनिया से जोड़ते हुए पढ़ाया और बताया जाए। आगे देखते हैं, यह सिद्धांत किताबी ज्ञान के उस विरासत के रूप में जिसके कारण हमारी व्यवस्था आज भी स्कूल और घर के बीच की अंतराल बना। मतलब ये उस किताबी व्यवस्था के खिलाफ है जो हम स्कूल और घरों के बीच बनाए रखते हैं। हमें इससे दूर हटकर, कहने का मतलब वही ऊपर की लाइन हम इसे जोड़ सकते हैं कि हम इसे बाहर की दुनिया से जोड़कर ही देखना और पढ़ाना है। तो आगे देखते हैं, यह इस बुनियादी विचार पर अमल करने का एक प्रयास है। NCF 2005 के आधार पर यह बुनियादी शिक्षा पर विचार करने का, अमल करने का एक प्रयास है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और रटने की प्रवृत्ति का विरोध भी शामिल है। माने यह प्रवृत्ति जो है वह रटने की प्रवृत्ति को से हटकर है। मतलब यहाँ पे जो शिक्षण कार्य होगा वह रटने की प्रवृत्ति पर न होकर उसके इतर कार्य करने पर होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित बाल केंद्रित व्यवस्था को सफल बनाया जा सकता है। मन इन सभी को पढ़ने और देखने के बाद यह बात स्पष्ट होती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो वर्णित है उसको इस आधार पर ही सफल बनाया जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं, इस प्रयास की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि स्कूल के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को सीखने में अपने अनुभव का कितना प्रयोग करते हैं। माने ये भी मायने रखता है कि जो प्रिंसिपल हैं वह बच्चों को सिखाने में कितना मायने रखते हैं अपने अनुभव का। तो इसी आधार पर हम लोग अभी आगे और पढ़ेंगे। इसके अनुवाद बच्चों को कल्पनाशील बनाने और सवालों को सीखने में सहायक सिद्ध होंगे। तो इसी आधार पर हमने ये देखा कि इसके अनुवाद में बच्चों को कल्पनाशील, उन्हें कल्पना करने पे और बनाने और सवालों को सीखने में सहायक सिद्ध भी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। फिर आगे देखते हैं, अध्यापक को यह मानना होगा यदि बच्चों को आज़ादी दी जाए तो बच्चों द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जूझ कर नए ज्ञान का सृजन कर सकते हैं। मान यदि बच्चों को आज़ाद छोड़ दिया जाए उन्हें पढ़ने के लिए, कार्य करने के लिए, तो वो क्या करते, सृजनशील हो सकते हैं। वह नए सामानों से सूचना सामग्री से जुड़कर अपने ज्ञान का या नए ज्ञान का भी सृजन कर सकते हैं। अपने ज्ञान का सृजन करने में वो सहायक होते हैं। सीखने में अन्य साधनों की अनदेखी करने का प्रमुख कारण पाठ्य पुस्तकों को परीक्षा एकमात्र बनाने की प्रवृत्ति है। माने पाठ्य पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति भी यह भी क्या करती है, यह सीखने के साधन की अनदेखी करती है। माने हमें क्या, हमने जो ऊपर पढ़ा था कि हमें बाहरी दुनिया से जोड़ कर सीखना है, बच्चों को खेलते हुए पढ़ाना है, उन्हें किसी प्रकार का बोझ नहीं देना है। आगे देखिए बात और स्पष्ट होगी, सृजन और पहल को विकसित करने के लिए यह जरूरी है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार बनाया जाए। इसमें क्या होगा, बच्चों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण होती है और बच्चों की भागीदारी निश्चित करती है कि आगे क्या करना है, कितना उन्हें सृजनशील बनाना है। फिर दोस्तों आगे देखते हैं, बच्चों को ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक नहीं मानना चाहिए। अब इसका तात्पर्य है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप आए हैं तो ये एक घंटे बच्चों को पूरा पढ़ाना है, दो घंटे की पीरियड है तो दो घंटे पूरी मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स पढ़ाना है, 40 मिनट का पीरियड है तो 40 मिनट पढ़ाना, ऐसा कुछ नहीं है। वो कोई निर्धारित खुराक नहीं है कि आप बालक को जितना चाहेंगे उतना पढ़ाएंगे। मतलब जितना बालक ले सकता है, जितना आप दे सकते हैं उतना ही आपको बस पढ़ाने हैं। तो और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे लाइन सीटेट के पूछे गए हैं और ये सीटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अनदेखी करना हमारे लिए और आपके लिए मूर्खता जैसा भी हो सकता है। और आगे देखते हैं हम लोग,
यह दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की मांग करता है। यह अपनी दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में भी काफ़ी फेरबदल की मांग करता है। इसी के आधार पर आगे देखते हैं हम, इसके लिए दैनिक समय सारणी की लचीलापन जरूरी है। मतलब इसके लिए जो दैनिक समय सारणी है इसमें भी लचीलापन होना काफ़ी जरूरी है। स्ट्रिक्टली नहीं कर सकते आप, इसके लिए आपको क्या लचीलापन होना काफ़ी जरूरी है। और जब तक लचीला नहीं होंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। फिर और आगे देखते हैं, शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ इस बात को तय करती हैं कि पाठ्य पुस्तक स्कूल में बच्चों को मानसिक दबाव बोरियत की जगह खुशी का अनुभव कराने में प्रभावी सिद्ध होंगी। ये ऊपर की जो लाइन दोनों इसको यह लाइन स्पष्ट करती है। क्या स्पष्ट करती है कि शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करती हैं कि पाठ्य पुस्तक स्कूल में बच्चों की मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव कराने में प्रभावी सिद्ध होती है। मतलब बच्चों को बोरियत न देके प्रभावी सिद्ध कराना, मतलब उन्हें खुशी हो और उन्हें पढ़ने में और मजा आए, यह हम लोग को करना होता है। आगे देखते हैं हम लोग, पाठ्य पुस्तक में बोझ की समस्या को निपटाने के लिए बच्चों में मनोवैज्ञानिक एवं अध्यापन के लिए समय उपलब्ध रखने की कोशिश करें। मैंने उनके बोझ को कम करना है, उन्हें अध्यापन को ज़्यादा जोर देना है। अभी बाकी चीज़ आगे पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग को ढेर सारा पढ़ना है, ये तो अभी फर्स्ट है। और आगे देखते हैं हम लोग, इस कोशिश में सोच विचार एवं विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस, हाथ से की जाने वाली गतिविधियाँ को प्राथमिकता देते हैं। माने हमें किसी भी गतिविधि के द्वारा हमें बच्चों को सिखाना है, ये हमारे लिए सबसे काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार सभी शिक्षण के हमारे पास नोट्स उपलब्ध हैं, यदि आपको नोट्स चाहिए तो हमारे यहाँ से उपलब्ध है आपको, और ऑनलाइन क्लासेज भी उपलब्ध है। 6306344367 पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप यहाँ से नोट्स और ऑनलाइन क्लास संबंधी जानकारी ले सकते हैं। नोट्स आपको जल्द ही आपको उपलब्ध हो जाएंगी। ऑनलाइन एसटी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। फेसबुक पेज इलेनिक भी दुर्गेश से भी जोड़ सकते हैं, और साथ ही साथ टेलीग्राम में नोट्स के लिए आप दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए सर्च करके आप वहाँ से जोड़ सकते हैं। इसी के आधार पर हम लोग आगे सभी हिंदी के शिक्षण अन्य विषय के शिक्षण को भी पढ़ेंगे। तो आप लोग भी पढ़ते रहिए, इसके नोट्स भी लिखते रहिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंतोगत तो ये पूरा पढ़ने के बाद एक ही बात स्पष्ट जो हुआ कि हमें बच्चों के ऊपर दबाव नहीं बनाना है। एक दोस्त एक मित्रवर की मित्रता की भांति हमें उन्हें अध्ययन अध्यापन करना है और उन्हें बोरियत नहीं महसूस होने देना है, किताबी बोझ नहीं रखना है, उन्हें बाहरी ज्ञान से जोड़कर रखना है। इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षण कार्य करना है, क्योंकि यह भाषा शिक्षण के साथ साथ अन्य सभी शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण होता है। और एक अध्यापक होने नाते आपको अपने अनुभव का भी पूरा प्रयोग करना होगा। तो जय हिंद, जय भारत।